एक एक्टिविटी करेंगे, एक फन एक्टिविटी भी है ये। ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिख रहा है ना सबको? नॉर्मल हमें पढ़ना आता है सबको ज्यादातर, लेकिन इसमें पढ़ने में हमें एक बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है? इसमें जहां भी स या श, छोटा सा या बड़ा सा जिसे हम बोलते हैं शा, जहां भी आया होगा उसे हम स को पढ़ेंगे पे। क्या पढ़ेंगे? पे। और जहां भी पे होगा उसे पढ़ेंगे हम स। ठीक है, ये हमें बदल के पढ़ना है। और कौन बच्चा कितना पढ़ेगा या कौन बच्चा इस पूरे ग्राफ को पूरा पढ़ देगा, इसी तरह से देखते हैं। ये हमारा दिखाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि हम किसी चीज को कितने ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन बच्चा कितना इसे पढ़ पाएगा या पूरा कंप्लीट कौन कर सकता है तुम में से। मैं पहले बता देती हूँ कैसे पढ़ना है, एक लाइन पढ़ के बताऊंगी मैं। ठीक है, जैसे आज सुबह पोकर उठी तो तेज बारिश हो रही थी, जहां तय या शय आएगा उसे हम पे पढ़ेंगे। दीपांशी तुम आओ, समझ में तो आ गया है ना? हाँ पढ़ो। आज सुबह पोकर उठी तो तेज बारिश हो रही थी, बाहर आकर देखा तो पाकड़ पर बस हो गई। चलो यहाँ के सह को तो पै बोल दिया, लेकिन पर पा को क्या बोलना था? सर। हाँ बोनम, ये पहल दूसरी लाइन में ही आउट हो गई दीपांशी। चलिए ऐसे ही ध्यान आ जाएगा। बोनम पेंसिल रख दो इधर साइड में। आज सुबह पोकर उठी तो तेज बारिश हो रही थी, बाहर आकर देखा तो फड़क कर सर सानी ही सानी था, कुछ लोग छाता लगाए कुछ पौधे तो कुछ यूं ही भीगते हुए पड़क पर चौथी लाइन में आगे आउट। हाँ सत्यम शिवम, देखते हैं कि कौन बच्चा इसे पूरे पैराग्राफ को पूरा कर देगा। आज पोहर उठकर तो ये उठकर है मुझे बारिश पे अटक गया। पहले ही उठकर कहाँ लिखा हुआ? उठकर कहाँ? तो इतना तो ध्यान रखो। उठती कहाँ है? उठती कहाँ है? दोबारा पढ़ चल दोबारा। आज पोहर कर उठती। उठती कहाँ है? उठी तो तेज बारिश बारिश। ये क्या था? बारिश। क्या पढ़ना था इसे? बारिश बा पढ़ना था। चलो ये पहली लाइन पे आउट हो गए। इसका चार्ज हो गए किसका? ये लग रहा है यस पैको पै और पैको पै। और धीरे धीरे बहुत जल्दबाजी नहीं मचा रही जैसे किताब पढ़ते हैं। पोकर उठी तो तेज बारिश हो रही थी, बाहर आकर देखा तो पड़क सर सानी ही सानी था, कुछ लोग छाता लगाए कुछ बर्फाती ओढ़े तो कुछ यूं ही भीगते हुए पड़क सर आ जा रहे थे,
कैसे कैसे कैसे, ये क्या था सा कैपे। चलो फिर भी बहुत अच्छा चला, लास्ट में आया, लास्ट में लगभग पांचवी लाइन पे आउट हुआ है सौर्य शर्मा। रोशनी तू बोल ले, इस एक्टिविटी में सेंटेंस ऑफ माइंड, कौन बच्चा कितना कंसंट्रेट करता है किसी चीज पे। आज स्क्वायर होगा उसी को से बारिश हो, बारिश 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 बारिश, पहली लाइन पे ही इन्होंने बारिश कर दी। रोशनी आजा, रोशनी देख ले एक बार, रेडी हो। एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता ना, इसीलिए हम
अटके और इस पूरा पैराग्राफ को भी कोई बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी किया बहुत अच्छा था। वेरी गुड एंड थैंक यू।